देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। अच्छा और इसमें हंसने वाली क्या बात है, जब से सोशल मीडिया में पीएम मोदी का ये वीडियो वायरल हुआ है तब से सोशल मीडिया यूजर का ये रिएक्शन है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। जो बेचारो रड़तो जाए छे, रड़ने दो, ऐसे ही सबक समझेगा। ठीक है, कहा कि हमारे मोदी चाचा खुद चीख चीख कर कह रहे थे। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जनते फर्ज से आवाज की सभा। अरे ये तो पुरानी बातें हैं, जब पीएम मोदी कहा करते थे कि एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि मोदी जी का मनोकामना पूरा हो गया और अब शायद साहब इस बात से पछता भी रहे होंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठीक है तो सुन रहे हैं जी, अब पीएम मोदी की इस वीडियो को शेयर करके लोग जम के मजे ले रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। तो इसी पर INC न्यूज लिखता है, कोई मुझे बताएगा कि ये रो क्यों रहे हैं। तो सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, बाइडन हो गए क्या सर, प्रधानमंत्री का गला किसने घोटा मोदी जी। तो निमोता लिखते हैं, अले ले निरूपा रॉय फिर रो दी। पढ़ना नहीं आया, इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान मेहराज है, एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। अरे भाई, ध्रुव राठी और एल्विश यादव का कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ध्रुव राठी ने फिर से रिएक्शन का एक वीडियो बनाया जिसमें एल्विश यादव का जम के मजे ले लिया। और एल्विश, इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है, मैंने देखा पिछली बारी डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं। चल ऐसा करते हैं, तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब एल्विश 40 की जगह एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर, इससे 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, उतनी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा, इससे 42% ऑफ मिलेगा। तो देख ले, अच्छा मौका है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वैसे दोस्तों, आप ध्रुव राठी के इस कंट्रोवर्सी पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।